बिसमिल्लिम्असल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन वी होप फाइन एंड सेफ एट योर होम्स ओपन योर स्मार्ट साइंस एट पेज नंबर 25, चैप्टर नंबर फोर फूड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फूड ईट लेट स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फूड जो खाना हम खाते हैं उसकी क्या अहमियत है वो हमें कैसे कैसे फ़ायदे देता है फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी खाना खाने से हम क्या होते हैं ग्रो करते हैं बड़े होते हैं और सेहतमंद होते हैं वी ईट फूड वेन वी आर हंग्री हम कब खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है फूड हेल्प्स अस टू वर्क एंड प्ले काम करने के लिए और खेलने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है खाने से फ़ूड मेक्स अस स्ट्रांग खाना हमें स्ट्रॉग करता है हमें एनर्जी देता है वे गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हम अपना खाना कहाँ से हासिल करते हैं पौधों से और जानवरों से हासिल करते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स अब हम पढ़ते हैं हम पौधों से कौन कौन सा खाना कौन कौन सी चीज़ हासिल करते हैं वे गेट मोस्ट ऑफ़ आर फूड फ्रॉम प्लांट्स हम ज़्यादातर खाना अपना पौधों से लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल्स सब्जियाँ फ्रूट्स पल सीरियल्स अनाज अनाज यानी गंदुम वगैरह पल्सिस दालें हम दाल भी बनाते हैं स्पाइसिस मसाले एक्सेट्रा वेजिटेबल्स वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स हम पौधों से सब्जियां लेते हैं वी कुक मोस्ट वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग खाने से पहले अक्सर वेजिटेबल्स को हम पकाते हैं कुकिंग मेक्स देम सॉफ्ट एंड टेस्टी खाना पकाने से सब्ज़ी को पकाने से क्या होता है एक तो सब्जी टेस्टी हो जाती है हम उसमें मसाले वगैरह ऐड करते हैं और उसके अलावा सब्ज़ी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है बिल्कुल नरम हो जाती है नीचे फिगर में बहुत सारी सब्जियां दी गई हैं हम उनको देखते हैं सबसे पहले है स्पाइनच यानी पालक कॉलीफ्लावर पोटैटो लेमन ब्रिंजल एंड कैप्सिकम कैप्सिकम कम किसे हम कहते हैं शिमला मिर्च को ठीक है ये ग्रीन भी होती है येलो भी होती है उसके बाद सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हम बग़ैर पकाए खाते हैं पकाना की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको हम वैसे ही खाते हैं रॉ वेजिटेबल्स आर मोस्टली यूज इन सैलड्स विद आर मील्स हमारे खानों के साथ जो सेलड है रॉ वेजिटेबल्स जो हैं वो उनके अंदर डलती हैं हम उनको सैलड के तौर पर खाते हैं दे मेक अस हेल्दी वो हमें सेहतमंद बनाती हैं जैसा कि रॉ वेजिटेबल कौन कौन सी हैं रेडिश कैरट एंड क्यों ये वेजिटेबल्स जो है, ये हम सैलड में डालकर खाते हैं इनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती अच्छा एक तो आप लोगों ने क्या काम करना है इस चैप्टर की रीडिंग को दोबारा से करना है और उसके अलावा ये जो वेजिटेबल्स के नेम हैं इनको विद स्पेलिंग स्पेलिंग के साथ आप लोगों ने लर्न करना है और अपनी नीट नोटबुक में लिखना है उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर फोर और फूड जो है इसके फर्स्ट थ्री क्वेश्चन जो हैं उनको भी स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज़ फ्रॉम वेयर वी गेट फूड हम खाना कहाँ से हासिल करते हैं वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हम खाना पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं Why फूड इज़ नेसेसरी फॉर us? खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है बिकॉज फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी खाना हमारी हेल्प करता है कि हम ग्रो कर सकें बड़े हो सकें और ताकतवर बन सकें सेहतमंद बन सकें What वी गेट फ्रॉम plants? हम पौधों से क्या हासिल करते हैं वी गेट ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स हम हर तरह की सब्ज़ी फ्रूट्स फल लेते हैं एंड सीड्स फ्रॉम प्लांट्स और डिफरेंट तरह के बीज जो हैं वो भी हमें पौधों से मिलते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स एक तो आप लोगों ने वेजिटेबल्स के जो नेम है वो विद स्पेलिंग लर्न करने हैं और नीट कॉपी में लिखने हैं उसके अलावा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री इनको लर्न भी करना है और अपनी नीट नोटबुक में राइट डाउन भी करना है ओके स्टूडेंट्स टेक अ लॉट ऑफ केयर अल्लाह हाफिज़